साहिबगंज शहर वासियों को शहर के कई मुख्य मार्गों की बदहाल और जर्जर स्थिति से अब निजात मिल जाएगा। शहर के सभी जर्जर मुख्य मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं शनिवार को पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के द्वारा सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण में उपयोग कर रहे मटेरियल की गुणवत्ता की जांच की गई। साथ ही मापक यंत्र से सड़कों के पिंचिंग कार्य को भी मापा गया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 9 करोड़ 15 लाख की लागत से शहर के मुख्य चार मार्गों का निर्माण किया जाएगा। इन चार मार्गों में मुख्य रूप से शहर के महाजन पट्टी से लेकर एलसी रोड, स्टेडियम रोड, समाहर न्यायालय से होते हुए सुभाष चौक तक सड़क बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं दूसरा पूर्वी फाटक से होते हुए पुरानी साहिबगंज से ग्रीन होटल मोड़ तक निर्माण किया जाएगा। तीसरा टमटम स्टैंड से होते हुए रिफ्यूजी कॉलोनी, टाउन हॉल से पूर्वी फाटक तक और चौथा सड़क साक्षरता मोड़ से विकास भवन रोड तक होना है। यह पथ साहिबगंज जिला में सुभाष चौक से डीसी ऑफिस होते हुए एलसी रोड होते हुए NH80 में जाके मिलेगी और जेट लाइन होते हुए साक्षरता चौक तक है, प्लस संजीवियर स्कूल से ग्रीन होटल तक और नीचे पूर्वी फाटक से टमटम स्टैंड तक रोड बनने वाली है, जिसकी लागत 9 करोड़ 15 लाख रुपये है। इसमें आयरकुपी का काम होना है, इससे सड़क में अच्छी यातायात सुविधा बहाल होगी और आवागमन में काफी सुविधा होगी। ज्ञात हो कि राजमहल विधायक अनंत ओझा के प्रयास से शहर के चार जर्जर मुख्य मार्गों का निर्माण कार्य को लेकर बीते विजय दशमी के दिन करोड़ों की लागत से बनने वाले साहिबगंज शहर के चार मुख्य मार्गों शिलान्यास किए थे। बता दें कि साहिबगंज जिला सबसे अंतिम छोर पर है और यहाँ की नेशनल हाईवे और उससे जुड़े कई शहर मार्गों का हाल बदहाल हो चुका है। खासकर बरसात के मौसम में सड़कों पर चलना राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है और अब शहर के सभी मुख्य मार्गों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिससे शहर वासियों के साथ साथ राहगीरों को आवागमन करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज़।